राहुल गांधी ने हाफिज सईद की आजादी को लेकर मोदी पर निशाना साधा तो बीजेपी ने उन्हें बेरोजगारी के आंकड़ों पर घेर लिया। बीजेपी ने बकायदा राहुल के भाषणों की क्लिप जारी की और इन भाषण में राहुल एक घंटे में बेरोजगारी को लेकर दो दो आंकड़े पेश कर गए। नैनो फैक्ट्री में कितने लोगों को रोजगार मिला आप मुझे बता दो, और आप मुझे यह भी जवाब दे दो कि अगर इन बड़ी फैक्ट्रियों ने रोजगार दिया गुजरात में तो गुजरात में 50 लाख बेरोजगार युवा क्यों खड़े हैं, क्यों ढूंढ रहे रोजगार? कि रोजगार के मामले पे नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम करें, मगर आज तक सच्चाई ये है, और मेरे आंकड़े नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के आंकड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी ने देश के युवाओं से वायदा किया था 2 करोड़ युवाओं को एक साल में रोजगार दूंगा, और आज की सच्चाई है, उनके मंत्री ने लोकसभा में बोला है 24 घंटे में 450, एक साल में 1 लाख से कम, 8 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी, ये हिंदुस्तान की सच्चाई है। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।